गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं हरीश सागर, आपका अपने चैनल हरीश सागर कोचिंग सेंटर और राजेंद्र सिंह सागर कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। तो आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर डेवलपमेंट। तो चलते हैं, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन तो भाई हमने कल पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर डेवलपमेंट, कंप्यूटर का विकास। मैं आपको एक बार लिख देता हूँ बोर्ड पर। कंप्यूटर का विकास, तो भाई देखो बहुत सी बुक में क्या होता है यही सेम टॉपिक, कंप्यूटर का विकास या कंप्यूटर का इतिहास, इस प्रकार से आपको मिल सकता है। लेकिन इससे घबराना नहीं है, टॉपिक लगभग सेम ही मिलेंगे जो। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का विकास। तो हम सबसे पहले जो हमारा कंप्यूटर बना था वो था हमारा अबेकस। कब बना था ये? 3000 BC। अबेकस, अबेकस दोस्तों क्या था? अबेकस एक गणना यंत्र था। क्या था? कैलकुलेशन मशीन। गणना यंत्र, ठीक है, ये हमारा जोड़ घटाने के लिए यूज किया जाता था। और ये बना कहाँ, किसने बनाया था ये दोस्तों? बनाया था चाइना में, ये बना था आपके चाइना में। चाइना में, ठीक है, तो ये बना था आपका चाइना में। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला कंप्यूटर, सबसे पहला कंप्यूटर इसको माना जाता है अबेकस को। ये ईसा मसीह के जन्म से पहले बना था, ठीक है, 3000 BC में। होता क्या है, किस प्रकार से होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आपको प्राइमरी स्कूल, ठीक है, या और भी छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको सिखाने के लिए जाता है। इसमें क्या होता है, एक फ्रेम बना होता है जिसको भाई अभी नोट्स करना है या फिर स्क्रीन शॉट लेना है, जिन भी स्टूडेंट्स को वो ले सकते हैं। ठीक है, फिर मैं इसको मिटा दूंगा, फिर मैं बताऊंगा आपको अभी थोड़ा सा दिखता कैसा है। ठीक है भाई, ले लिए होंगे अब जिसने भी, जो भी स्टूडेंट अभी नहीं उतार पाए हैं वो वीडियो को रिप्ले करके कभी देख सकते हैं। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना भाई, सबके सब सभी स्टूडेंट से बोल दूंगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वीडियो को पूरा नहीं देखते, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं आधा अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई होता है, तो हमेशा ज्ञान पूरा लेना चाहिए। तो सबको पढ़ना है, सबको पेपर देना है, जिनको पेपर भी नहीं देना है तैयारी, तो भाई नॉलेज तो सभी को मिलेगी, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है आपको। तो मैं आपको बता दूं अबेकस होता क्या है, कैसा था, तो अबेकस कुछ इस प्रकार का होता है। तो इस प्रकार के ये तार होते थे, उनमें उनमें मोतियों मोती के समान जैसे कंचे होते हैं ना, इस प्रकार से प्रोते थे, उनके माध्यम से हम गणना करते थे। ठीक है, तो अबेकस का तो पूरा डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार से मिलेगा आपको, इस प्रकार से इसका एक स्टैंड होता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपको लगभग अभी के समय में तो अभी प्राइमरी स्कूल वगैरह में ही देखने को मिल सकता है। ठीक है भाई, और मैं आपको बुक में से दिखा देता हूँ एक बार अबेकस होता क्या है, कैसा कैसा दिखता था अबेकस। दोस्तों अबेकस आप देख पा रहे हैं, ये आपका अबेकस कंप्यूटर है,
ठीक है, ऐसा अबेकस कंप्यूटर दिखता था आपका, जहाँ मेरी उंगली का निशान है। तो अभी हम चलते हैं, जब इसके बाद आया पास्कलाइन यानी या कैलकुलेटर कह सकते हैं आप उसे, मैं बता दूंगा भी आपको, बताऊंगा उसके बारे में। सन 1642 टाइम आता है ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल अब इन्होंने क्या बनाया, तो दोस्तों इन्होंने बनाया था फर्स्ट कैलकुलेटर जिसे हम आज के टाइम में कैलकुलेटर, पहले उसे क्या बोला जाता था, पास्कल लाइन। क्या बनाया था, पास्क लाइन बोला जाता था। तो कहाँ के थे, इन्होंने बनाया था हमारा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, फर्स्ट कैलकुलेटर फर्स्ट कैलकुलेटर ठीक है। तो ये वैज्ञानिक कहाँ के थे भाई, ये थे हमारे फ्रांस के, कहाँ के थे, फ्रांस के। ये हमारे वैज्ञानिक थे फ्रांस के, ब्लेज पास्कल, इन्होंने बनाया था फर्स्ट कैलकुलेटर। अब हम उसे कैलकुलेटर बोलते हैं, उस टाइम इसे क्या बोला जाता था, पास्कलाइन। क्या बना था, पास्कलाइन। ओहो फिक्का चल रहा है, दूसरा लेते हैं भाई, दूसरा लेते हैं। पास्कलाइन, इसे उस समय पास्कलाइन भी कहते थे। पास्कलाइन अब इसे बोलते हैं ब्लेज, ब्लेज पास्कल ने बनाया था पास्कलाइन, या फिर कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था भैया, आपके थे ब्लेज पास्कल, कब, सन 1642। अच्छा कुछ हिंदी में रह गया भाई, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, एक मिनट रुक जाओ, ब्लेज पास्कल लिखना हिंदी में रह गया, कुछ स्टूडेंट हिंदी भी इंग्लिश दोनों लिखनी पड़ती हैं, तो लिख देते हैं इसमें ब्लेज ब्रेज पास्कल ठीक है। ये थे आपके फ्रांस के, इसमें आएगा फ्रांस ठीक है। अब ठीक है, तो ये दोस्तों ध्यान रहे, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, ये तक, ये अब तक हमने जो इतने भी कंप्यूटर जैसे आपका बेकस हो या इलेक्ट्रॉनिक जनो, ये जो इतने भी पढ़े हैं, अभी तक कोई भी पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, ये भी तो क्या था, नॉन इलेक्ट्रॉनिक। नॉन इलेक्ट्रॉनिक बिना बिजली के चलने वाला, अभी मैं आपको इसके बाद बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक और नॉन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल में क्या अंतर है ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या होता था, जैसे भाई आपने पुरानी मूवी देखी जैसे हेरा फेरी हुई या फिर और कोई भी मूवी, तो उसमें घड़ी के समान जैसे आपकी घड़ी होती है ना, ऐसे ऐसे गोले बने होते थे उन्हें, इसमें 1 2 3 ऐसे करके 0 से लेकर 9 तक के नंबर लिखे होते थे, और जब आप इसे ऐसे घुमाते थे तो नंबर डायल होता, इस प्रकार से इसमें गणना यानी कैलकुलेशन होती थी ठीक है। तो हमें कोई भी अगर नंबर दबा एक दबाना, तो एक को ऐसे दबाकर ऐसे घुमाना पड़ता था, जब पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा ना जब, तो वो काम इस प्रकार से होता था, इसमें पीतल के घेर लगे हुए थे, तो इसका उपयोग जोड़ना घटाने के लिए किया जाता था। अब चीन ने बना लिया अबेकस ठीक है, फ्रांस ने बना लिया पास्कल, पास्कलाइन यानी कैलकुलेटर। अब इस हिसाब से अमेरिका कैसे पीछे रह जाता, सही बात है, अमेरिका भी तो वही पीछे नहीं रह सकता, तो अभी हम उसके बारे में आगे बात करेंगे थोड़ा सा। अभी पहले मैं आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक में अंतर बता देता हूँ,
इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल। इलेक्ट्रॉनिक वे जो बिजली से चलेंगे हमारे, और मैकेनिकल वे ऐसे यंत्र जो हमारे बिना बिजली के काम करते हैं नॉर्मल, ठीक है, मनुष्य अपनी खुद सहायता से। ये तो हो गए विद्युत से चलने वाले, विद्युत से चलने वाले यंत्र, यंत्र या उपकरण। ये आके आपके बिना बिजली के, यंत्र या उपकरण ऐसे यंत्र जो भी हमारे बिजली से चलते हैं, बिजली से चलते हैं इसमें जैसे यहाँ आपका फैन, ठीक है, कूलर, कूलर फैन, कूलर मोटर, और आपके जैसे जनरेटर हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई जिनसे छोटे जनरेटर से तो बिजली पैदा होती है, ठीक है, बल्ब हुआ। तो ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं ये आके आप इलेक्ट्रॉनिक में सीधी सीधे सीधे आपको इलेक्ट्रॉनिक में देखने को मिलेंगे, जिन जो भी विद्युत से चलते हैं हमारे, जिनमें जिनको चलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि बिजली आवश्यकता पड़ती है, वो सारे यंत्र कैसे कहलाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉनिक वाले, ठीक है। और जिन्हें जैसे साइकिल हुआ हमारा, जैसे हमारा साइकिल है, साइकिल अब तो भाई इलेक्ट्रॉनिक वाली भी आ रही है, पहले इलेक्ट्रॉनिक साइकिल तो थी नहीं, तो नॉर्मल चलती थी, उन्हें कहते हैं नॉर्मल मैकेनिकल, ठीक है। तो अभी आपने जाना मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक में अंतर। इलेक्ट्रॉनिक वो जो हमारे विद्युत से चलने चलेंगे जितने भी यंत्र, वे सब आएंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक में, और आपके जितने भी यंत्र बिना बिजली के चलेंगे नॉर्मल काम करते हैं उन्हें बोलते हैं हम मैकेनिकल, ठीक है भाई। ये समझाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अभी आगे आएगा ये, इसलिए पहले ही पता लग जाए तो अच्छे से समझ में आ जाता है। थोड़ा सा भाई कल का भी रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इसमें आने आएगा। गर्मी गर्मी फिर टाइम आता है 1671, ठीक है। इस आपका गोल्ड फ्राइड जी, गोल्ड फ्राइड, गोल्ड फ्राइड लिबनीज, लिबनेज ने आपकी क्या हो सकता है, क्या इसका क्या था कल भाई याद नहीं है तो देख लें, 01 यानी क्या है बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी का इसका किसने किया था गोल्ड ब्राइड, और इसको कैलकुलेशन किसने करने बनाया था जॉर्ज भूले, किसने बनाया था भाई जॉर्ज भूले, इसे जो हमारा कैलकुलेशन सिखाया था वो था 1854 में एक वैज्ञानिक थे आपके जॉर्ज भूले, जॉर्ज भूले इन्होंने क्या सिखाया था, इन्हें सिखाया था बाइनरी की कैलकुलेशन, बाइनरी को कैलकुलेट करना है, बाइनरी की कैलकुलेशन करना, तो ठीक है। और हमारा 01 था, 01 जो बाइनरी लैंग्वेज है हमारी, ठीक है। तो भाई ये विद्युत विद्युत पे चलती थी, इनके वोल्टेज पे काम करती थी, ये आप अपनी जाकर पिछली वीडियो में देख सकते हैं जो कल पढ़ाया था हमने। तो अगर ऑन है
तो उसका मतलब था विद्युत बह रही है, विद्युत जा रही है। अगर ऑफ है, ऑफ का अर्थ है जीरो, यानी कि विद्युत बिल्कुल बंद है, यानी कि अब विद्युत नहीं बह रही है या विद्युत विद्युत यंत्र में नहीं जा रही है, ठीक है, विद्युत यानी करंट। और आप देख सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको इसी को। देखो बनाई बाइनरी लैंग्वेज किसने थी, गोल्डफ्राइड लिबनीज़ ने, लेकिन उसकी कैलकुलेशन करने से किसने सिखाई, इसको सिखाया था जॉर्ज बूलन ने, और इसी को ही हम बूलन एलजेब्रा भी बोलते हैं। बूलन एलजेब्रा, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, बूलन बूलन एलजेब्रा। अब जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए भाई बूलन एलजेब्रा किसको बोलते हैं, तो वो आपकी बाइनरी लैंग्वेज को ही बूलन एलजेब्रा बोला जाता है, ठीक है। जैसे भाई आ जाए कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया, कैलकुलेटर का भी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, कैलकुलेटर का आविष्कार आपका किसने किया था, ब्लेज पास्कल ने, कब, सन 1642 में, ठीक है। उससे पहले क्या, अब क्वेश्चन पूछ लिया आपसे भाई पास्कलाइन का आविष्कार किसने किया, पास्कलाइन का आविष्कार भी किसने किया था, जो उस सॉरी पास्कलाइन का ब्लेज पास्कल ने, ठीक है, क्योंकि भाई जो वैज्ञानिक होते थे वो पहले अपने नाम पर ही उसके अपनी मशीन का नाम रख लेते थे, ठीक है। तो आपका ध्यान रहे, जैसे हिंदी में कंप्यूटर को संगणक बोला जाता है, ठीक है, ऐसे ही कैलकुलेटर के भी दो नाम है, एक तो ब्लेज पास्कल और एक पास्कलाइन, ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने चाहिए। भाई कभी भी आपसे कभी भी पूछ सकता है एग्जाम नाम, हर बार तो एक सा क्वेश्चन देगा नहीं, कुछ ना कुछ तो चेंज करेगा, तो ठीक है ना, ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। हरमन हेलोरिथ, ठीक है भाई, हरमन हेलोरिथ, हेलोरिथ है सॉरी, हरमन हेलोरिथ, ये थे आपके वैज्ञानिक हरमन हेलोरिथ, हरमन हेलोरिथ। कभी कभी इन्होंने अब सब पूछे भाई, अब वैज्ञानिक इन्होंने क्या क्या था, अब मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने आपके दोस्तों पंचकार्ड किसका, पंचकार्ड, पंचकार्ड का आविष्कार भी किसने किया था, हरमन हेलोरिथ ने, कद सन 1880 के लगभग, ठीक है, सन 1880 के में। तो कभी वो उसको आ जाए पंचकार्ड का आविष्कार किसने किया, वो क्या था आपका, हरमन हेलोरिथ ने, ठीक है। और आगे हरमन हेलोरिथ ने एक चीज़ और बनाई थी इसी टाइम पर, वो थी हरमन टैबलेटिंग, टैबलेटिंग मशीन, हरमन टैबलेटिंग मशीन, इसे बोलो, मशीन। इसी का जो दूसरा नाम है आपका, इसी का जो दूसरा नाम है मशीन का, वो आप कह सकते हैं सेंस ट्यूबुलेटर, ठीक है भाई, दो नामों से जाना जाता है ऐसे, एक तो था आपका हरमन टैबलेटिंग मशीन भी यही है, और आपका सेंस सेंस टैबलेटर भी यही है। इससे ये किस लिए यूज हुई थी, ये यूज हुई थी भाई आपकी जनगणना करने के लिए, जब हम भाई बहुत बड़े बड़े देश हैं जैसे अमेरिका हुआ, भारत हुआ, चाइना हुआ, रूस हुआ, ऐसी बहुत बड़े बड़े देश हैं, तो उनकी जनगणना भी होनी जरूरी है, जिनकी जनसंख्या भाई कम से कम पता तो लग सके कि देश में कितने नागरिक हैं। तो इसमें पहले जनगणना करने में बहुत टाइम, बहुत ही ज़्यादा टाइम
लग जाता था, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता था। लेकिन जब फिर यूएसए ने, ये कहाँ बना था, हाँ ये आपका बना था यूएस, यूएस, यूएस यानी कि अमेरिका, यूएस यानी कि अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, अमेरिका के वैज्ञानिक थे ये, ठीक है। तो इन्होंने तीन चीज़ों का आविष्कार किया था। कभी भी आपका क्वेश्चन आ जाए पंचकार्ड का आविष्कार किसने किया, वो भी हरमन हेलोरिथ ने, और आपका जो ये था हरमन टेबलेटिंग मशीन, इसका आविष्कार किसने किया, आपका हरमन हेलोरिथ ने, कब, सन 1880। सन 1880 की जनगणना, लेकिन हुई कब थी ये, 1890 में हुई, ठीक है भाई, 10 साल बाद जनगणना होती है, ठीक है, आप सभी जानते हैं। तो 1880 की जनगणना 1890 में हुई थी, ठीक है। और पहले जनगणना जो होती थी उसमें बहुत सारे लोग भेजे जाते थे अलग अलग, कोई किसी गांव में, कोई किसी शहर में, तब जाकर वो डेटा इकट्ठा करके लाते, तो फिर उसको जोड़ने में काफ़ी टाइम लगता था, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, ठीक है। लेकिन जब ये हरमन टेबलेटिंग ने मशीन बनाई तो अमेरिका का बहुत सारे रुपये बचे, टाइम बचा, ठीक है। तो ये एक तरह से मान सकते हैं आप, टेबलेटिंग मशीन ने जनगणना के क्षेत्र में क्रांति सी ला दी, ठीक है। तो अब एक चीज़ और है भाई, हरमन हेलोरिथ ने क्या किया था, आईबीएम की शुरुआत, आईबीएम IBM की जो शुरुआत है वो कौन, वो किसने की थी, वो भी आपकी की थी हरमन हेलोरिथ ने, किसने, हरमन हेलोरिथ। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, थोड़ा सा और साफ हो जाएगा। हरमन हेलोरिथ, अब दोस्तों ये आईबीएम होता क्या है, आईबीएम एक, आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है, देखो आईबीएम क्या है, आईबीएम एक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है जो बिजनेस के लिए यूज किया जाती है। अब मैं इसकी फुल फॉर्म बता दूं आपको साथ साथ में, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन भाई। उस समय तक आप भी, आपको मैंने बताया, ठीक है, ये कब बनी थी, सन 1880 के दशक में। तो इसमें भी डेटा, उस समय पेन ड्राइव वगैरह होते नहीं, तो किसके द्वारा डेटा दिया जाता था, इसमें डेटा दिया जाता था हमारे पंच कार्ड के, ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता था, पंच कार्ड के, ठीक है। तो उस समय यूज किया जाता था पंच कार्ड का, फिर भाई दोस्तों ऐसे ही कंप्यूटर का विकास होता गया, एक देश ने ये सोचा उसने हमसे बेहतर बनाई है, हम उससे बेहतर बनाएंगे, इस प्रकार करने से कंप्यूटर का विकास उस समय बहुत ही तेज़ी से हुआ, क्योंकि सभी देशों में होड़ मची हुई थी कि भाई ये हमें, इसने हमसे बेहतर बनाया, हम इससे बेहतर बनाएंगे, हम इससे बेहतर बनाएंगे, ठीक है। अब आपने जाना, अब देखते हैं इंडिया के अंदर जनगणना कब हुई, इंडिया के जो अंदर थी जनगणना की, सन 1890 किसमें कि इंडिया के अंदर जो जनगणना की शुरुआत की थी, ठीक है,
वो किसने की थी, वो भी की थी म्यू ने, किसने की थी म्यू ने। लेकिन ये जो जनगणना थी 10 साल की ईयर की नहीं थी, क्या थी 10 साल वाली जनगणना नहीं थी। शुरुआत तो म्यू ने की लेकिन 10 साल वाली जनगणना नहीं थी, लेकिन बाद में इसको आगे किसने बढ़ाया, ये बढ़ाया था आपके लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिप लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने इसको आगे बढ़ाया, जो 10 साल की जनगणना जो हम करते हैं उसको शुरुआत किसने की थी, लॉर्ड रिपन ने, ठीक है, किसके अंदर, इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर, ठीक है। तो भाई ये चीज़ ध्यान रखने योग्य है, जैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है इंडिया के अंदर जनगणना की शुरुआत किसने की, तो जनगणना की जो शुरुआत है वो तो ज़्यादातर आंसर में म्यू है तो म्यू, नहीं तो अगर नहीं है तो आपका लॉर्ड रिपन ही सही है, ठीक है। ये जनगणना भी हर 10 साल बाद होती है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर वह वक्त आता है सन 1937 से 1944, 1937 से 1944, 1944 इस दौरान क्या हुआ, इस दौरान बना हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, क्या बना, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर जिसका नाम था मार्क वन, किसने बनाया, हार्वर्ड एच आइकन, हार्वर्ड आइकन, ठीक है, इसको आप एच आइकन भी कहते हैं, कहाँ बना, अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अभी मैं समझा देता हूँ। तो ये था हमारा एनिक, नहीं सॉरी एनिक नहीं था भाई, ये इसका नाम था मार्क वन, मार्क वन, मार्क वन, ठीक है। किसने बनाया, ये बनाया था आपके हॉवर्ड आइकन ने, क्या था, हॉवर्ड आइकन ने। कहाँ के व्यक्ति थे भाई, ये थे अमेरिका, अमेरिका, ठीक है। कहाँ बना था भाई ये बना था आपका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे, ये भी भाई अमेरिका में ही, आप ये भी आपकी अमेरिका में ही है। ये क्या था, ये आपका था फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर। अभी मैंने आपको इलेक्ट्रो मैकेनिकल का अर्थ समझाया था, इलेक्ट्रो में इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रो, ये वे डिवाइस जो आपके इलेक्ट्रॉनिक विद्युत से चलते हैं, ठीक है, वे हो गए आपके इलेक्ट्रो में आएंगे सारे सारे, और जो बिना बिजली के काम करते हैं नॉर्मली मैकेनिकल, उन मैनुअली उन्हें कहते हैं हम मैकेनिकल, ठीक है। जैसे आपकी साइकिल होगी, ठीक है, आपके भाई हाथ से चलने वाली चक्की होगी, और इत्यादि यंत्र जो भी हमारे हम हाथ नॉर्मल मनुष्य बिना बिजली की सहायता के चलाते हैं उन्हें मैकेनिकल डिवाइस कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर किस पर बेस्ड था भाई, ये हमारा बेस्ड था बाइनरी नंबर, किस पर बेस्ड था, बाइनरी नंबर, नहीं बाइनरी पे नहीं था भैया, बाइनरी पे ये वाला नहीं था भाई, ये काम करता सीक्वेंस में, ये बाइनरी नंबर ये नहीं था भाई, वो जेड वन था, बताऊंगा आगे, ये हमारा सीक्वेंस में काम करता था। यार ये फिक्का चल रहा है, मार्कर इसे ले लेते हैं,
ये सीक्वेंस में काम करता था कैसे है भाई। मान लो जैसे हमने पहले इसको कोई एक काम दे दिया, ये हमने इसको चार काम दिए, एक दो तीन चार, तो जब तक पहला काम खत्म ना हो जाए, जब तक ये पहले काम को खत्म ना कर ले, तब तक दूसरा काम शुरू नहीं करेगा। ठीक है, इनके पहला खत्म कर लेगा, उसके बाद दूसरा, दूसरा खत्म होगा उसके बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसा है। ठीक है, सीक्वेंस भाई स्टेप बाय स्टेप काम करता था, पहला एक फिर दो फिर तीन। ऐसा नहीं कि पहला अभी पेंडिंग चल रहा है प्रोसेसिंग, दूसरा काम दे दिया तो दूसरा प्रोसेसिंग चल गया, नहीं, ये काम अभी नहीं हुआ था, ये सीक्वेंस में काम कर रहा था जब तक एक काम खत्म इसमें। और जब ये काम कर रहा हो, करता रहता था या काम कर रहा हो, तो हम इसके बीच में इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते थे, इस चीज़ का भी ध्यान रखें भाई। जब मार्क वन के को ही देख कर, मार्क वन को ही एग्जाम्पल मानकर, सन 1944, सॉरी 1944 में, तो भाई मार्क वन का एग्जाम, मार्क वन का, हाँ, इसमें एक चीज़ रहेगी जो आपसे पूछे लगे भाई, मार्क वन कब बना आपका, ये बना था सन 1944 में। ठीक है, 1944, 37 से 44 के बीच में, तो ये जो बनकर तैयार हुआ था पूरी तरह से वो था 1944 ईयर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है साथ साथ भाई, आपका जो भी चैप्टर हैं, जितने भी चैप्टर हैं आपके, चाहे आपका वो हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, इनपुट वाइज आउटवेयर नंबर सिस्टम हो, वो सभी के सभी यहाँ पर कवर होंगे, तो चिंता करने की कोई जरूरत तो नहीं है, सभी पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। सन 1938, अब आते सन 1938। अभी बहुत से बच्चे कहेंगे सर भाई अभी 1944 में, तो 1937 और 1944, अब 38 की बात हो रही है। ठीक है, ऐसा पहला कंप्यूटर जो जिसमें बाइनरी लैंग्वेज का यूज किया गया था, वो था आपका Z1। कौन सा Z1, किसने बनाया था भाई, कोनार्ड ज्यूस ने। और ये व्यक्ति कहाँ के थे, ये देखो बना तो जर्मनी में था, क्योंकि उस समय चल रहा था हमारा द्वितीय युद्ध, कोल्ड वॉर चल रहा था। उसमें क्या था, कोल्ड वॉर में होता क्या था भाई, इसने हमसे बेहतर बनाया, हम इससे बेहतर बनाएंगे, इसने हमसे ये चीज़ बेहतर बनाई, हम उससे वो चीज़ बेहतर बनाएंगे। अब ये क्या नाम था इसका, इसका नाम था Z1, Z1। ठीक है, अब कहाँ बना, ये बना था आपका जर्मनी। ये आपका जर्मनी में बनाया। ठीक है, अब ये बनाया कितने था, ये जो बनाया था आपका, ये था आपका कोनार्ड ज्यूस ने। इसमें एक रोमांचक किस्सा है, मैं आपको बताता हूँ। कोनार्ड ज्यूस, ठीक है, ये आपका कोनार्ड जूस। अब इसमें रोमांचक किस्सा क्या है, ये है आपका भाई, देखो कंप्यूटर जर्मनी में बना, ठीक है, फर्स्ट बाइनरी लैंग्वेज यूज था, लेकिन ये बनाने वाला जो व्यक्ति था, इसका वैज्ञानिक जो इसने नहीं बनाया था, वो व्यक्ति दरअसल आपका अमेरिका का था। ठीक है, अब ये खबर अमेरिका पहुंची कि भाई हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति ने जाकर जर्मनी में जाकर एक कंप्यूटर बना दिया जिसका नाम है Z1। भाई देखो, सूचना अब से नहीं, गुप्तचर राजा महाराजाओं के ज़माने से चले आ रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं किसी ने कोई चीज़ बना दी और वो दूसरे देश तक ना पहुँचे, तो हर देश के कोई ना कोई गुप्तचर होते ही हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जब खबर वहाँ अमेरिका पहुँची, तो अमेरिका थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे भी। अमेरिका पहले इसमें ये था हमारा Z1, ये था हमारा Z1 जो था हमारा था फर्स्ट, नहीं फर्स्ट बाइनरी यूजर, जिसमें पहली बार बाइनरी लैंग्वेज का यूज किया गया। ठीक है, ये आपका बाइनरी लैंग्वेज पर आधारित था, बाइनरी लैंग्वेज पर आधारित था। ठीक है, अब जब ये खबर अमेरिका पहुंची, तो उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ का व्यक्ति वहाँ जाके कंप्यूटर बना रहा है, तो हमारे यहाँ के साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, ये क्यों नहीं बना रहे। तो भाई सरकार थोड़ी बहुत सब पर प्रेशर डालती है, प्रेशर तो साइंटिस्ट हो या फिर कोई जॉब करता हो या और कोई हो, प्रेशर थोड़ा थोड़ा बहुत सभी पर रहता। जब अमेरिका ने अपने यहाँ के वैज्ञानिकों से बोला भाई आप क्या कर रहे हो, वहाँ जाकर तो कंप्यूटर बन गया, हमसे हमारे से बेहतर बना दिया, आपके मार्क वन से बेहतर है। तो दो वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था, सॉरी दो वैज्ञानिक थे यूएसए के ही, अभी मैं उनका नाम बताऊंगा। सन 1838 में ही, सन सॉरी 1938 में ही उन्होंने कंप्यूटर बनाया, ए
बी सी कंप्यूटर, ए बी सी कंप्यूटर। अब ए बी सी का क्या अर्थ है, देखो ए बी सी दो वैज्ञानिक जो हुए थे उन्होंने अपने नाम पर ही कंप्यूटर बनाया, सभी यही काम करते थे। तो ए का मतलब होगा एटनोसोफ और बी का मतलब है आपका बाइनरी, ठीक है। बी का मतलब होगा बाइनरी, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ बेरी, ये थे आपके दो व्यक्ति थे, एटनोसोफ और आपका बेरी। तो आपका ए का मतलब तो ये आ गया और बी का होगा ये, सी का मतलब आपका सीधा सीधा वही कंप्यूटर। एटनोसोफ बेरी कंप्यूटर, ठीक है। तो ये इन्होंने अपने नाम पर ही इस कंप्यूटर का नाम रखा। ये भी दोस्तों कहाँ पे इसकी जो कोडिंग होती थी, कोडिंग किस पे बेस्ड थी, ये भी बाइनरी नंबर। ये भी हमारे जो दोस्तों बेस था किस पे था, बाइनरी नंबर पर, ठीक है। अब भाई सब कंप्यूटर बना रहे हैं दुनिया पे राज करने वाले देश, जैसे कि भाई हमारा इंग्लैंड सबसे पहले देश तो भाई ब्रिटेन का था सारे में, यानी कि इंग्लैंड का था। तो वो इन कामों में पीछे कैसे रह जाएगा, वो तो इन चीज़ों में पीछे रह ही नहीं सकता। अब भाई उसको तो खबर पहुंची, यूएस तैयार बेइज्जती हो जाएगी, अमेरिका ने बना लिया, चीन ने बना लिया, फ्रांस ने बना लिया, अगर हमने ना बनाया तो यार बेइज्जती वाली काम हो जाएंगे, हमने दुनिया पर राज किया है और हम ही कुछ नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने भी अपने उन्होंने भी भाई इसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर दी थी। तो सन 1943 1943 में भाई अमेरिका ने भी एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था कोलोसस। क्या नाम था, कोलोसस। इंग्लैंड कहाँ बना, ये बना था आपका इंग्लैंड में, ठीक है। अब इसमें एक खासियत थी, अब लोग जो कंप्यूटर थे वो बाइनरी नंबर पे तो बेस्ड थे, ये भी बाइनरी नंबर पे बेस्ड था, ऐसा नहीं है भाई, इसकी कोडिंग भी बाइनरी नंबर पे ही थी। कोडिंग जो थी इसकी बाइनरी नंबर पर ही होती थी, ठीक है। कोडिंग इसकी बाइनरी नंबर पर ही होती थी, ऐसा नहीं है भाई ये बाइनरी नंबर पर बेस्ड नहीं था, नहीं, ये भी बाइनरी नंबर पर बेस्ड था हमारा। तो बाइनरी नंबर आपको पता है हमारा वही 01। लेकिन इसका जो यूज़ था, जो इसको इसमें खासियत थी, वो थी आपकी सीक्रेट कोड को डिकोड करने की, सीक्रेट कोड को डिकोड करने की, ठीक है, जिसे तोड़ने के लिए बनाया गया था। यानी कि सीक्रेट कोड को तोड़ने के लिए इसे बनाया गया था। अब जैसे भाई आपको, जैसे कि भाई कोई भी व्यक्ति हुआ या कोई भाई आपने फौजी देखा होंगे, जैसे फौज में कभी भी लड़ाई होती है तो वहाँ पे क्या होता है, अल्फा वन हेलो 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 टाइगो चार्ली, इस प्रकार के कुछ कोड होते हैं उनके। तो उन्हीं ऐसे ही कोडों को डिकोड करने के लिए, यानी कि तोड़ने के लिए बनाया गया था हमारा कोलोसस। किसने बनाया था, इंग्लैंड ने। इंग्लैंड कब बना, ये बना था आपका इंग्लैंड में बना था, सॉरी। और किस पर बेस्ड था ये, बाइनरी नंबर पर। किस पर बेस्ड था आपका, बाइनरी नंबर पर भाई। अब आता है 1906 का वक्त, 1906 सॉरी पहले ही आ गया था, ये लेट हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। 1906 का वक्त आता है, यहाँ बना था वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ भाई सन 1906 में। और इसको इसका आविष्कार क्या किसने था भाई, ये इसका जो आविष्कार था वो आप किए थे, लेड फॉरेस्ट ने किया था। और इसमें एक प्रॉब्लम थी, मैं बता दूं, देखो भाई आविष्कार तो हुआ, ये भी आपके 010 बाइनरी भाषा की को अपने अंदर
स्टोर करती थी, ठीक है। और लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम थी, ये जैसे बल्ब होता है ना, बल्ब बल्ब के आकार कुछ इस प्रकार से होती थी। इसका जो चित्र था मैं दिखा दे रहा हूँ, ये 0101 कुछ इस प्रकार से इसके अंदर कुछ डिवाइस होते थे, वो इस प्रकार से बनी होती थी, ठीक है। इसकी प्रॉब्लम थी ये भाई हीट हो जाती थी, क्या हो जाती थी, हीट हीटिंग प्रॉब्लम। जैसे बल्ब होता है बाहर बल्ब की तरह, इसमें गिलास लगा था हीलियम ऐसी भरी थी। अब क्या होता है इसमें भाई, जैसे ही आपका बल्ब होता है, बल्ब जब गर्म हो जब जलता है बल्ब तो गर्म हो जाता है, ठीक है। इसमें भी सेम काम था, ये भी बिजली की खपत भी ज़्यादा करती थी और हीटिंग प्रॉब्लम भी थी, और ये भी काम भी उस समय मंद मंद होता था। तो भाई आपको जैसे पूछ लिया जाता है बहुत से भी, आगे जाके भी आप पढ़ेंगे, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें किसका यूज होता था, उनमें यूज होता था आपके किसका, डेटा स्टोर करने के लिए वैक्यूम ट्यूब, किसका भाई, वैक्यूम ट्यूब का, ठीक है। बहुत ही कम लिमिटेड सीमा में डेटा स्टोरेज होता था, बिल्कुल नाम मात्र के लिए, ठीक है। फिर भाई वक्त आगे बढ़ा, आगे चला, और आगे चल के फिर आते हैं हम 1940 में हमारा पहला पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मिला हमें, जो बनाया था अमेरिका में बनाया था, ये बनाया था आपके जॉन मोजले और जे प्रेस्पर एक्ट ने, ठीक है, 1940। इसका नाम था हमारे का एनिक, ENIAC, एनिक। किसने बनाया भाई, ये था आपके भैया, गलत हो गया नाम, जॉन मोजले और जे प्रेस्पर एक्ट, ये हमारा फर्स्ट यानी कि पहला कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ऐसा भी कह सकते हैं आप, पूर्ण पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी कि पूर्ण रूप से पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ये भाई, बहुत बड़ा होता था उस समय। आप उस समय क्या था, कंप्यूटर लगभग 2-3 कमरों में जाकर आता था। अब इसे ऐसा तो नहीं था भाई आज की तरह भाई, जैसे हमने टेक्नोलॉजी है आज हमारे पास लैपटॉप है जिसे हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, लेकिन इसे हम ऐसे लेके जा नहीं सकते थे, ठीक है। तो ये जहाँ पर टिक गया वहाँ पर टिक गया, ठीक है। तो ऐसा होता था, ये बहुत ही बड़ा होता था कंप्यूटर, इसमें अलग अलग चैम्बर बने होते थे। अलग अलग चैम्बर कैसे भाई, एक चैम्बर प्रोसेस का होगा, ये चैम्बर आप किसी और चीज़ का होगा, ये किसी और चीज़ का होगा, ये चीज़ मेमोरी का होगा, इस प्रकार से एक एक चैम्बर अलग, तो इस प्रकार से पूरे कमरे में ही ये फैला हुआ था, ठीक है। अब आयनिक की फुल फॉर्म क्या होती है, और आयनिक को ये तो जान लिया आपने, कब बना, किसने बनाया। अब आयनिक की फुल फॉर्म भी भाई एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है। आयनिक की फुल फॉर्म में आपकी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेशन, इंटीग्रेटर एंड
कैलकुलेटर, ठीक है भाई। आईएनई की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। भाई एक चीज़ का ध्यान रखें, जहाँ पर कैलकुलेटर हो ठीक है, अगर ऑप्शन में कैलकुलेटर ना दिया हो तो आप कंप्यूटर पर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद समय आता है भाई, धीरे धीरे कंप्यूटर का विकास हो रहा था, कुछ थोड़ा तेज़ी से थोड़ा धीरे, ठीक है। तो इसके बाद समय आता है सन 1947। उन्नीस सौ सैंतालीस में था एडवे कंप्यूटर, एडवेक किसने बनाया था, ये बनाया था भाई जॉन वॉन न्यूमैन ने। ठीक है, ये भी कहाँ के थे, आपके अमेरिका के थे। अभी इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है ज़्यादातर, तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी फुल फॉर्म क्या है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट डिस्क्रेट वेरिएबल वेरिएबल, ठीक है। और आ गया आपका ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसकी फुल फॉर्म थी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। भाई ये आपकी कहीं भी पूछी जाती है, कोई से भी एग्जाम में आ जाते हैं, चाहे वो आपका एसएससी का हो, रेलवे का हो, या कोई भी हो, वहाँ पर ज़्यादातर ये चीज़ पूछी जाती है, तो इसका भी ध्यान रखना आराम से, ठीक है। इसके बाद जो हमारा कंप्यूटर बना था वो था हमारा एडसेक, ये बना था हमारा 1949 में। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, इसको भी बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। एडसेक बनाया था हमारा मॉरिस व्हीकल्स ने, मॉरिस व्हीकल्स ने। मॉरिस व्हीकल्स ने हमारा एक कंप्यूटर बनाया था भाई, इसमें क्या था आपका, इसकी भी फुल फॉर्म आती है तो मैं वो भी लिखवा देता हूँ, गैल अगेल इसी में काम करते हुए आगे जो हमारा कंप्यूटर था वो बना था, इसकी भी फुल फॉर्म में देखो भाई, जहाँ पर भी इसमें ई वाले जो भी चैप्टर आते हैं जो कंप्यूटर का उसका, अब इस चीज़ का ध्यान रखो, सबका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ध्यान रखें इसे। तो इसका भी आएगा इलेक्ट्रॉनिक डेली स्टोरेज, स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म है हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेली स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। किसकी, एडीएसई की। ये कब हुआ था इसका इन्वेंशन, इसका इन्वेंशन हुआ था किस कब, 1949 में। किसने बनाया था, मॉरिस व्हीकल्स ने, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना भाई, ये भी हमारे पूछे जाते हैं। अब आते हैं अब हमारे
यूनिवेक कंप्यूटर, कौन सा था? यूनिवेक। कब बना? सन 1949 में। अब ये बनाया किसने? ये दोस्तों जिन्होंने हमारा मार्कोन बनाया था ना, दो वैज्ञानिक मैंने अभी बताया आपको, कौन कौन से थे? जोन जोन मोकले मोकले और दूसरे थे हमारे जोन प्रस्पर एक्ट। इन दोनों ने मिलकर भाई हमारा क्या बनाया था? आपका फर्स्ट कंप्यूटर, फर्स्ट यूनिवेक कंप्यूटर, ठीक है। ये आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी कि ये पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था। मेन फ्रेम मतलब जिसमें बहुत सारा डाटा स्टोरेज हो सकता था। जैसे कि भाई आपको बता दूं, पहले हम इसकी फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। तो ये क्या था हमारा? फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर, फर्स्ट मेन फ्रेम। अब मेन फ्रेम होता क्या है? इसे नीचे लिख दूंगा भाई, थोड़ा सा सीनियर। ठीक है भाई, इस कंप्यूटर में बहुत सारा डाटा, आप लोग तो क्या था, डाटा की लिमिट थी, बहुत ही थोड़ा थोड़ा डाटा इस्तेमाल होता था। लेकिन जब ये यूनिवेक आया तो इसमें बहुत सारा डाटा इस्तेमाल, डाटा स्टोर करने की क्षमता के साथ आया था ये जब, ठीक है। तो इसको दो वैज्ञानिकों में मिलकर बनाया, योगदान इसमें जॉन वॉन न्यूमैन का भी था। किसका था? जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है। लेकिन जो इसका श्रेय जाता है वो आपके दो वैज्ञानिक हैं, जॉन मोकले और जॉन प्रॉस्पर एक्ट। तो आपका बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वो योगदान किसका है? का जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है, ठीक है। कल मिलेंगे। तो जो भी दोस्तों जो भी हमारे स्टूडेंट्स या यूज़र वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो कंप्लीट वीडियो हमेशा कंप्लीट वीडियो देखें, और बेल आइकन की घंटी, नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन घंटी है उसको बजाना भी ना भूलें, और चैनल को भी शेयर भी कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ पाएँ। तो